दुनिया खत्म होने वाली थी तो लोग सारी हदें पार कर जाते हैं। उन्हें जो अच्छा लगे वही वो करते थे। इसे हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है। उसे अपने बचपन की गर्लफ्रेंड का लेटर मिला और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और उसी सफर में उसे एक न्यू ब्यूटीफुल सी डायरेक्शन मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सीकिंग अ फ्रेंड फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड 2012 की एक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये टाइम के बारे में एक बहुत ही ब्यूटीफुल से मैसेज के साथ आती है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। इसी तरीके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और रेडियो से हमें पता चलता है कि वर्ल्ड पर एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड गिरने वाला था। इसे ब्लास्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे मेथड्स का यूज किया पर सब कुछ फेल हो चुका था। ये न्यूज हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है टॉर्च, ये अपनी वाइफ के साथ देख रहा था। ये सुनने के बाद उसकी वाइफ उसे कहती कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अपने बचे हुए दिन वो उसके साथ बर्बाद नहीं करना चाहती थी। पूरे वर्ल्ड में लोगों का फिर माइंडसेट ही चेंज हो गया था। हम कुछ एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जिसमें असैसिन को हायर करने की एडवर्टाइजमेंट थी। कुछ लोग दुनिया के एंड के लिए फ्रेंड को ढूंढ रहे थे। न्यूज से हमें पता चलता है कि थोड़ी देरों में इलेक्ट्रिसिटी और पानी सब कुछ बंद हो जाएगा। लोगों को जो अच्छा लगता था वही वो करने लग गए। डॉस का काम था इंश्योरेंस सेल करने का। आजकल लोग अपोकलिप्स के बाद का इंश्योरेंस भी बाय कर रहे थे। उनके बॉस ने उनकी मीटिंग बुलाई तो बहुत सारे एम्प्लॉय ने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया था। उन्हें अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी पर किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें लग रहा था कि लाइफ को कोई भी मीनिंग नहीं है। वाइफ के जाने के बाद डॉस की लाइफ में करने जैसा कुछ भी रहता नहीं। घर आकर उसने अपना मेल बॉक्स खोला पर हमेशा की तरह उसमें कोई भी मेल नहीं थे। वो एक कपल को झगड़ता हुआ देखता है। उसका ब्रेकअप हो रहा था। उसके घर पर एक मेड काम करती है। डॉज ने उसे कहा कि अगर तुम चाहती हो तो यहाँ पर टीवी वगैरह देख सकती हो, तुम्हें काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसकी मेड बहुत ही सिंसियर थी। कुछ भी हो जाए पर उसे अपना काम करना अच्छा लगता था। डॉज ये बात समझ लेता है। रात में उसने अपने सींग में एक स्पाइडर देखा। उसे मार सकता था पर उसे छोड़ देता है। सोते वक्त उसने उसे बहुत बार काट लिया। अगले दिन जब वो काम पर गया तो ऊपर से एक आदमी ने जम कर सुसाइड कर ली। इससे वो बहुत डर गया था। शाम में उसकी फ्रेंड्स उसे पार्टी के लिए बुलाते हैं। फ्रेंड की वाइफ का नाम था डायना। उसे कहती कि मुझे पता था कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर चली जाने वाली है। उसे तो तुम्हें बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। जब भी वो तुम्हारे साथ नहीं होती थी तो बहुत ही खुश रहती थी। टॉर्च को इस सब बातों से बहुत बुरा लगता है। डायना उसके लिए अच्छा चाहती थी। वो कहती कि आज मेरी एक फ्रेंड आ रही है, उसके साथ तुम डेट के लिए जाना। डॉर्च के फ्रेंड को आइडिया उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। डायना कहती कि मैं नहीं चाहती कि डॉर्च अकेला ही मर जाए। रात में डायना ने डॉर्च को कैरन से मिलवाया। वो एक बहुत ही फैंसी ड्रेस पहन कर आई थी। वो कहती है कि जो भी हमेशा से मुझे पहनना था वो अब सब कुछ मैं पहन सकती हूँ। इनके फ्रेंड जहाँ भी जाना चाहते थे, जिसको भी जो भी चीज बोलना चाहते थे, ये सब कुछ आजकल कर रहे थे। कैरन भी कहती है कि मैं किसी स्पेशल आदमी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, और वो डॉर्च को देख रही थी। डॉर्च इन सब बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। सब डांस करने लगे तो डॉर्च के पास उसका फ्रेंड आया। वो कहता है कि आजकल तो बहुत मजे है, हमें जो लड़की चाहिए वो हम पा सकते हैं, क्योंकि किसी को भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तुम अगर चाहो तो हम दोनों कैरन के साथ आज रात घर जा सकते हैं। पार्टी में किसी ने कुछ ड्रग्स लाए तो सब लोग वो करने लग गए। डॉर्च को इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था तो बाथरूम में जाकर सो जाता है। उसे ढूंढते हुए डायना वहां पर पहुंच गई। डॉर्च अपनी सफाई में कहता है कि मेरा जो भी टाइम अब बचा हुआ है मैं किसी को जानने में वेस्ट नहीं कर सकता। रिलेशनशिप बहुत टाइम लेती है। डायना को उसके लिए बुरा लगता है और उसे किस कर लेती है। डॉर्च ने कहा कि तुम मेरी फ्रेंड की वाइफ हो। डायना कहती कि आजकल कोई किसी का नहीं है, हमें जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं। डॉर्च कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं चाहता क्या हूँ। डायना उसे समझाती है एंड ऑफ द वर्ल्ड से भी तुम भाग नहीं सकते, तुम्हें इसे फेस करना ही पड़ेगा। घर आकर डॉर्च ने अपना एक पुराना बक्सा निकाला। इसमें उसकी पुरानी यादें थी, जिस लड़की से उसने फर्स्ट टाइम प्यार किया था उसके लेटर्स थे। उसे याद कर वो म्यूजिक प्ले करने लग गया। तभी उसकी खिड़की के बाहर एक लड़की रोने लग जाती है। ये हमारी और एक मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है पेनी। वो खिड़की खोलकर उसके पास गया तो पेनी ने उसे गले लगा लिया। वो कहती कि मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ, मुझे मेरी फैमिली से मिलने के लिए जाना था पर प्लेन लेने के लिए मैं 15 मिनट लेट हो गई। मेरे फादर मुझे फिर से इरिस्पॉन्सिबली समझेंगे। जिस बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर वो रुकी हुई थी उसने भी उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। वंदर आकर उसे बात करने लग जाती है। वो कहती कि आज रात मेरा बॉयफ्रेंड सारा सामान घर से बाहर निकाल रहा है, क्या उसके साथ यहाँ पर रह सकती है। डॉर्च इसके लिए हाँ कहता है। वो खुद को मेडिकेट करने लग गए क्योंकि उसे नींद की बीमारी है। एक बार वो सो गई तो आसपास कुछ भी हो जाए वो जगती नहीं है। उसने डॉर्च का बॉक्स देखकर उसे पूछा कि क्या ये तुम्हारी फर्स्ट लव थी, क्या तुम जाकर उसे मिलने वाले हो। डॉर्च कहता है कि शायद उसकी लाइफ में कुछ और चल रहा होगा, उसे जाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इसके बाद वो सो गए और नेक्स्ट डे बहुत देर तक नहीं उठती। डॉर्च ने उसे उठाने के लिए बहुत सारे आवाज किए पर फिर भी उठ नहीं रही थी।
डॉज के बहुत ट्राई करने के बाद फाइनली वो चक गई। उसे कहती थी कि मेरे पास तुम्हारे बहुत सारे लेटर पड़े हुए हैं। मेलमैन गलती से मेरे यहाँ पर तुम्हारे लेटर छोड़कर जाता था। उन दोनों की ज्यादा बात नहीं होती थी, इसी वजह से कभी उसने लेटर्स दिए नहीं थे। उसे लगता था कि डॉज की वाइफ उसकी रूममेट है। वो कहती कि तुम्हारी रूममेट का बॉयफ्रेंड हमेशा आया जाया करता था, उसके साथ मेरी बातें होती रहती थी। अपनी वाइफ की चीटिंग के बारे में पता चलने के बाद डॉज बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके सारे कपड़े वो फेंक देता है। रात में वो बहुत ही ज्यादा सैड हो गया। उसने क्लीनिंग लिक्विड बाय किया। वो पार्क में आया तो एक कपल को देखकर उन पर चिल्ला जाता है। वो लिक्विड वो पूरी तरीके से पी लेता है। ये शायद पॉइजनस नहीं था, तो अगले दिन वो फाइन था। सुबह उठा तो उसके लिए कोई डॉग छोड़कर गया था। वो डॉग को अपने साथ ही लेकर आता है। सिटी में हर जगह पर दंगे स्टार्ट हो गए थे। इसके बारे में टीवी पर भी न्यूज आती है। पेनी ने उसे जो लेटर्स दिए थे, ये लेटर्स उसने पढ़े तो इसमें ओलिविया का लेटर उसे आया हुआ है। इसमें उसने लिखा था कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार मैंने तुमसे ही किया है। अचानक से बाहर राइड स्टार्ट हो गए। डॉज जल्दी से निकलता है और पेनी के घर में आ गया। वहां पर ओवेन पेनी का बॉयफ्रेंड था। ओवेन को लगने लग गया कि शायद पेनी और डॉज में अफेयर चल रहा है। वो इस बात से डिस्टर्ब हो जाता है। डॉज कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बाहर दंगे हो रहे हैं और इसी वजह से हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। ओवेन पेनी के साथ झगड़ा स्टार्ट कर देता है। पेनी को घर में जो भी सब इम्पोर्टेंट चीजें लगती थी ये लेकर वो वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते ओवेन ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इस तरीके से मुझे प्लीज मत छोड़ दो। अचानक से बुलेट की आवाज आने लग गई। वो पेनी के पीछे छुप जाता है। अगर वो सच में उससे प्यार करता तो उसे पहले बचाता। पेनी ने अपनी कार कहाँ पार्क की थी वो भूल गई थी, पर फिर भी ढूंढ कर जल्दी से वहां पर पहुंच जाते हैं। वो पार्किंग में स्टक थे तो ओवेन बाहर जाकर उन्हें गाइड कर रहा था। राइट उनके पास पहुंच रही थी और यहाँ से भागना मुश्किल होता जा रहा था। डॉज कहता है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो प्लेन उड़ा सकता है। अगर मुझे जहाँ पर जाना है वहां पर तुम लेकर चलती हो तो मैं तुम्हें उस प्लेन से तुम्हारे घर पर पहुंचा सकता हूँ। पेनी इस बात के लिए मान के कार क्रैश कर ओवेन को वही छोड़कर वो चली जाती है। 2-3 घंटे के बाद इनका पेट्रोल खत्म हो गया। एक दूसरे को ब्लेम करने लग गए थे। डॉज कहता है कि तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है, मुझे ओलिविया का एक लेटर आया था, मैं उसके पास जा सकता था। पेनी को इस बात से बहुत बुरा लगता है। पेनी कहती कि अब तो तुम्हें वहां पर जाना ही पड़ेगा। लास्ट टाइम 18 साल पहले जहां पर होती है वहां पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पेनी ने एक आदमी से लिफ्ट मांगी। पेनी सबसे बहुत ही अच्छे से बात करती थी तो स्ट्रकर की भी पूरी लाइफ स्टोरी उसने जान ली। पेनी उनके डॉग को जरा टॉयलेट के लिए लेकर जाती है तो आदमी डॉज से कहता है कि तुम्हें जो करना है वो जल्दी से कर डालो। डॉज ये बात समझ नहीं पाता। एक्चुअली उस आदमी ने एक हिटमैन को उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसे एस्ट्रॉइड की वजह से नहीं मरना था। डॉज कहता है कि तुम मुझे जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। ये सुनकर उस आदमी ने राहत की सांस ली। अचानक से उस पर गोली चल गई और उसकी डेथ हो जाती है। वो हिटमैन दूर से उसे मारकर चला गया था। उस आदमी ने अपने ग्रेव के लिए ऑलरेडी गाड़ी में सामान रखा हुआ था। पेनी और डॉज उसे गाड़ देते हैं। पेनी कहती कि मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि मेरी लाइफ इस तरीके से हो जाएगी। उसे लगा था कि जब वो 40 साल की होगी तो लाइफ में बहुत कुछ कर देगी। डॉज कहता है कि वरी मत करो, इस मोमेंट को हम लेजेंडरी बना सकते हैं। पेनी पूछती कि तुम्हारे और ओलिविया के बीच में हुआ क्या था। डॉज कहता है कि लाइफ की वजह से हम दोनों अलग अलग रास्ते पर चले गए थे। पेनी कहती कि उसने तुम्हें डम कर दिया था। इस पर डॉज बहुत हंसता है। डॉज ने कहा कि तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड में क्या हुआ था। पेनी कहती कि मैं बहुत ट्राई करती हूँ पर कभी भी एक रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं रह पाती। अचानक से रास्ते पर एक बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट देखते हैं। इसके बहुत सारे ब्रांचेस थे और इसे वो पहचान देते तो यहाँ जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। वो अंदर आए तो हर कोई बहुत ही वेलकमिंग था, सब लोग बहुत मजे कर रहे थे। पेनी झूठ कहती कि आज डॉज का बर्थडे है, सब लोग उसके लिए डांस करने लग गए। अब कुछ भी रूल्स नहीं बचे तो नशे के बर्गर्स भी उन्होंने बाय कर लिए। पेनी डॉज से पूछती है तुम इंश्योरेंस का काम कैसे करने लग गए, क्या तुम्हारे कोई ड्रीम्स नहीं थे। डॉज कहता है कि मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए थी। ये बात एडमिट करना हार्ड है पर अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आज रात इन्होंने बहुत ही एंजॉय किया था। कार में गए और इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद डॉज जरा ऑकवर्ड हो गया था। ये बात पेनी समझ जाती है। वो कहती कि आजकल किसी भी चीज का मीनिंग नहीं है, जो भी हुआ वो होना ही था, इसके लिए हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। वो एक टाउन से गुजर रहे थे जहाँ पर पेनी का एक्स बॉयफ्रेंड रहा करता था। वहाँ एक पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पेनी कहती कि ये कर क्या रहा है, आजकल तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पुलिस ऑफिसर ने उन्हें डॉक्यूमेंट्स पूछे, जो भी हुआ था ये सब कुछ फ्रैंकली पेनी बता देती है। उसने उन्हें डायरेक्टली अरेस्ट कर लिया। इन्हें अब पूरे दिन जेल में बिताने पड़ेंगे। तो पेनी को बहुत बुरा लगता है। वो कहती कि मैंने सचमुच में तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी। तू कितनी इरिस्पॉन्सिबल है, इस चीज को लेकर रोने लग जाती है। पर डॉज ने उसे सहारा दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद पेनी डॉज से पूछती है तुम्हारा एक्चुअल में ब्रेकअप क्यों हुआ था। डॉज कहता है कि ओलिविया और मैं 10
साल से एक साथ थे। उसे शादी करनी थी और मैं इसके लिए रेडी नहीं था। थोड़ी देर में वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। उन्होंने सबको देखा और तुरंत उन्हें छोड़ दिया। उनकी कार को उन्होंने सीज कर लिया था। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं, अगर आप चाहो तो मैं आपको कहीं पर छोड़ सकता हूँ। पेनी का एक्स बॉयफ्रेंड यही रहता था, तो उसके घर पर वो चले गए। ये एक्स बॉयफ्रेंड पहले आर्मी में था। अब जो अपोकलिप्स आने वाला है, इसके लिए सब कुछ तैयारी उसने कर रखी थी। उसके पास एक सैटेलाइट फोन भी है। उसने पेनी से कहा कि मैंने तुम्हारे फादर से बात की थी। पेनी इस बात से सरप्राइज हो जाती है और उसके फादर को कॉल लगा देता है। अपने घर की सब कुछ बातें सुनकर, उसके ब्रदर को बेबी हुआ था, ये सब सुनने के बाद उसे रोना आने लग जाता है। बात कर उसे बहुत अच्छा लगता है। एक्स बॉयफ्रेंड डॉस से पूछता है कि तुम उसे कितने दिन से जानते हो। डॉस कहता है कि सिर्फ एक ही वीक हुआ है। एक्स बॉयफ्रेंड ने कहा कि शायद पेनी तुम्हें बाहर से रोमांटिक लग रही होगी, पर वो अंदर से एक सर्वाइवलिस्ट है। कुछ भी हो जाए वो फिर से वापस मेरे पास ही आ जाएगी। उसके साथ हम फिर से सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे और एक बहुत ही स्ट्रांग वुमन है। बात कर पेनी आई और वो कहती कि हमें एक कार की जरूरत है। एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि इसे ड्रॉप कर फिर से वापस यहीं पर आ जाना। जाते जाते उसने कहा कि जब तुम मुझे हाँ कहती तभी मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए थी। डॉज और पेनी बात करते हैं कि इस वर्ल्ड की क्या क्या चीजें मिस करेंगे, जैसे कि उनकी फेवरेट डिशेस। फाइनली वो ओलिविया के ओल्ड घर पर आके डॉज ने नॉक कर देखा, पर घर पर कोई भी नहीं था। वो फिर से वापस आ जाता है। पेनी ने कहा कि हम इतने आसानी से गिव अप नहीं कर सकते। डॉज चाबी ढूंढ रहा था, पर पेनी डायरेक्टली डोर को तोड़ देती है। अंदर बहुत सारा खाना पड़ा था, इससे वो कुछ कुक कर सकती थी। डॉज को एक रिकॉर्ड प्लेयर मिला जो पेनी को बहुत अच्छा लगता है। उस पर वो गाना सुनता है और थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है। पेनी ने उसके लिए बहुत ही अच्छा सा खाना बनाया था। पेनी को उसकी मदर ने खाना बनाना सिखाया हुआ था। वो कहती कि मेरे पेरेंट्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो दोनों बहुत रोमांटिक है, इसी वजह से उसके प्यार के स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है। उसे म्यूजिक के रिकॉर्ड्स पसंद है, क्योंकि प्यार की तरह उसका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। पेनी इमेजिन करती है कि घर जाकर अपनी फैमिली के साथ कितने अच्छे मूवमेंट वो बिताएगी। अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप की वजह से अपनी फैमिली के साथ बहुत सारे मूवमेंट्स उसने गवा दिए थे। रिलेशनशिप में एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को जान लेना, उन्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाना, ये सब चीजें उसे बहुत ही टाइम पास लगती है। इन्हीं सब चीजों की वजह से उसका बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। डॉज उसे कहता है कि शायद राइट पर्सन से तुम कभी मिली नहीं। पेनी कहती कि तुम एक बहुत ही अच्छा आदमी हो। काम करते करते पेनी ने किचन के ड्रॉवर में एक लेटर देखा। ये लेटर ओलिविया का था और उस पर उसका एड्रेस है। डॉज उसके बेड में सोता है तो ओलिविया ने वहां पर उसका नाम लिखा हुआ था। अगली सुबह उसके घर के पास वो आके पेनी को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। इस तरीके से डॉज को जाता देख पेनी को बहुत बुरा लग रहा था। डॉज डोर के पास गया और फिर से वापस आ गया। पेनी पूछती कि हुआ क्या, क्या वो घर पर नहीं थी। डॉज कहता है कि उसका आवाज तो आ रहा था, मैंने उसके लिए एक लेटर लिखा है जो मैंने डोर के नीचे रख दिया और इसके बाद वो फिर से वापस आ गया। पेनी पूछती कि हुआ क्या, तुमने क्या लिखा था। डॉज कहता है कि जिस तरीके से चीजें चल रही है इन्हें मैं बिगाड़ना नहीं चाहता था। इसका मतलब है वो भी पेनी के साथ ही रहना चाहता है। अचानक से रास्ते के सामने उन्हें बहुत सारी भीड़ दिखी। सब लोग बीच पर एंजॉय कर रहे थे। डॉज पेनी के पास आता है और उसे किस कर लेता है। उसने उसे सॉन्ग प्ले करना सिखाया। एक बहुत ही ब्यूटीफुल से डे के बाद वो एक घर के पास आके पेनी पूछती कि हम यहाँ पर क्यों आए। वो अंदर गए तो हम देखते हैं कि डॉज के फादर थे जो उसे बचपन में छोड़कर चले गए थे। उसे देखकर बहुत सरप्राइज्ड है। फादर कहते कि मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने लाइफ में बहुत सारी गलतियां की है। तुम्हारी मदर और मुझ में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, इस वजह से हम एक साथ रह नहीं पाए। डॉज कहता है कि प्लीज मदर के बारे में कुछ भी मत बोलिए। फादर को बुरा लग रहा था तो डॉज ने कहा कि मुझे सॉरी बोलिए। फादर ने उसे सॉरी कहा, पर वो कहते हैं तुम्हारी मदर ने मुझे तुम्हारे पास आने से रोक कर रखा था। मैंने तुम्हें बहुत सारे लेटर्स लिखे थे पर वो कभी भी तुम्हारे पास पहुंचे नहीं। डॉज कहता है कि हमारी रिलेशनशिप में अब भी लेट नहीं हुआ है। फादर ने उसके लिए बहुत अच्छे से खाना बनाया। वो एक दूसरे की कंपनी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी इवनिंग स्पेंड करते हैं। एक साथ उन्होंने म्यूजिक भी प्ले किया। डॉज का इंस्ट्रूमेंट उसके फादर ने बचपन में उसे दिया हुआ था। रात में जब पेनी सोई हुई थी तो डॉज उसे उठा लेता है, अपने फादर के प्लेन में उसे बिठा दिया। उसके फादर ही पायलट थे। डॉज ने उसे कहा कि मेरी पूरी लाइफ में मैंने तुमसे ही सबसे ज्यादा प्यार किया है। पेनी अपनी कंडीशन की वजह से बहुत ही ज्यादा नींद में थी। डॉज के फादर उसे लेकर गए। डॉज घर पर आया तो उसकी मेड फिर से वहां पर काम कर रही थी। उस पर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि अब वर्ल्ड खत्म होने वाला है फिर भी तुम अपना जॉब क्यों कर रही हो, अपनी फैमिली के पास जाओ और उनके साथ टाइम स्पेंड करो। उस बेचारी को इस बात से बहुत ही अपसेट लगता है। दुनिया खत्म हो रही थी तो हर कोई इस न्यूज को अपनी तरीके से प्रोसेस कर रहा था। आगे कुछ भी हो पर कुछ लोग अपना काम करना चाहते थे। उसकी मेड भी वैसे ही थी। ये बात डॉज समझ लेता है, उसे सॉरी कहता है। उसे कहकर जाती है कि नेक्स्ट वीक मैं आपको फिर से मिलूंगी। डॉज को न्यूज से पता चला कि जो एस्ट्रॉइड नेक्स्ट वीक आने वाला था वो आज रात ही आने वाला है। वो रात में पेनी के घर में आ गया। उसकी फेवरेट रिकॉर्ड निकालकर पेनी की याद में ही सो जाता है। अचानक से लाइट चली गई और उसका डॉग बार्क करने लग गया।
डॉज ने कैंडल जलाई तो वह अंधेरे में पेनी थी। उसे कहती कि तुमने मुझे जाने क्यों दिया। डॉज कहता कि वो बहुत ही स्टूपिड डिसीजन था। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। पेनी कहती कि जब मेरी नींद खुली तो सीधी मैं यहाँ पर आके। वो दोनों बेड पर थे तो पेनी कहती कि मुझे सोने मत देना। डॉज कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का क्या। पेनी कहती कि वो दोनों रोमांस पर बिलीव करते हैं, ये बात तो समझ सकेंगे। वो दोनों एक दूसरे के साथ है, मैं तुम्हारे बिना किसी के साथ भी नहीं रह सकती थी। पेनी पूछती कि अब हमें क्या करना चाहिए। डॉज ने कहा कि एक दूसरे के साथ सिर्फ बातें करते हैं। एक दूसरे के बचपन के बारे में वो बात करने लग गए। पेनी ने कहा कि हम दोनों को बचपन में मिल जाना चाहिए था। डॉज कहता है कि हमारी लाइफ में जो भी हुआ इसी वजह से इस मूवमेंट में हम एक साथ हैं। अचानक से एस्ट्रॉइड नीचे गिरने की इन्हें आवाज आने लग गई। पेनी कहती कि हमें और भी टाइम मिलना चाहिए था। डॉज कहता है कि हमें कितना भी टाइम मिलता तो इनफ नहीं होता। जो टाइम इन्होंने साथ बिताया और इस मूवमेंट में वो साथ है, यही बहुत इंपॉर्टेंट था। उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पेनी कहती कि मुझे लगा था कि हम दोनों एक दूसरे को बचा लेंगे। डॉज कहता है कि सचमुच में हम दोनों ने एक दूसरे को बचा लिया है। एक दूसरे से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा था। एस्ट्रॉइड ने अर्थ को हिट कर दिया। इनकी लव स्टोरी शॉर्ट थी पर ये कंप्लीट थी। एक दूसरे को उन्होंने कंप्लीट किया था। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।